खबर शिवपुरी जिले के खनियाधान से है, जहां बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी सुरेश शर्मा इन दिनों शराब माफियाओं पर बराबर शिकंजा कस रहे हैं। वहीं आज रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम कफार का रहने वाला जसरत लोधी अपने कुआं के पास कच्ची शराब बनाता है और वहीं से बेचने का काम भी करता है। थाना प्रभारी खनियाधान ने माइफोर्स के साथ तत्काल मुखबिर की सूचना के अनुसार ग्राम कफार में मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर जसरत लोधी की कुआं पर दबिश दी तो उक्त आरोपी के कुएं पर एक बल्ब के उजाले में एक व्यक्ति बैठा दिखा, जिसके पास प्लास्टिक की केन व ड्रम रखे थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। खनियाधाना थाना फोर्स की मदद से घेर कर आरोपी को पकड़ लिया गया। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने शराब बनाना कबूल किया। कल रात्रि को आज बीती रात को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जसरत लोधी निवासी कफार का अपने कुआं पर अवैध रूप से कच्ची शराब उतार रहा है। उक्त सूचना पर से फोर्स के साथ दबिश दी गई तो आरोपी के कब्जे से 80 लीटर शराब मिली है, जो कच्ची आगपट्टी बनी हुई थी, तथा 3 ड्रमों में लाहन भरा हुआ था, जो मौके पर नष्ट किया गया है। कुल 84,000 की शराब जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34 की कार्रवाई की गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।